ये देखो जी, इनकी बॉडी जो है रात के 2:30 बजे से पड़ी हुई है। और ये देखिए ये जो बॉडी है, ये देखिए अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है और उसके साथ में ही कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। भाई भीड़ मत लगाओ। और ये डेड बॉडी भी कम से कम 2 या 3 बजे से पड़ी हुई है रात के। ये जो है ये मेरी भाभी हैं, इन्होंने इस कोविड के दरवाजे के आगे दम तोड़ दिया। 1 घंटे तक हम जो एम्बुलेंस की ऑक्सीजन लेके आए थे उससे तो इनका चल रहा था, जैसे वो ऑक्सीजन खत्म हुई इन्होंने यहाँ पे दम तोड़ दिया। ये 1 घंटे तक यहाँ पर रही जबकि नीचे एडमिशन की वो मिल गई थी, इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी ने। ये मेरी भाभी हैं, ये इनकी डेथ हुई है सुबह 9 बजे और अभी 1:30 बज चुका है। तो सबका ही दर्द है, क्या कर सकते हैं। बट दुख की बात यह है कि वो यहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ इलाज हो सकता था, बट इस दरवाजे के अंदर उन्होंने 1 घंटे वहाँ पे पड़ी रही, तड़फती रही और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। उसके बाद से इनकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई है, 4-5 घंटे हो गए, रैप नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कोरोना के लिए मरे का टेस्ट ले लिया। इससे पहले हम गंगाराम हॉस्पिटल गए थे, गंगाराम हॉस्पिटल से पहले हम गए थे बीएल कपूर गए थे हम, और बीएल कपूर के बाद हम गए थे आरएमएल के बाद हम गए थे संजीवन हॉस्पिटल, उसके बाद हम यहाँ पर आए। किसी ने एडमिशन नहीं दिया, सब कह रहे थे कि कोरोना का टेस्ट जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं होगा। हमने टेस्ट कल रात को गंगाराम में करवाया था, उसका रिजल्ट आज रात तक आएगा, 24 घंटे कहते हैं। इन्होंने कहा था जब तक कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा पर्सन तब तक हम उसको लेंगे नहीं, बट हाँ उसको मार देंगे। मार दिया इसको, ये बंदी मर गई। इसका एक लड़का है 12 साल का, एक 17 साल की लड़की है, एक 15 साल की लड़की है। इसके आदमी को दौरे पड़ते हैं, दिमागी चैलेंज है वो। शी वॉज डूइंग जो भी कर रही थी यही कर रही थी घर की, और ये मर गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जैसा दुख रो रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए इलाज चल रहा है और यहीं पे डेड बॉडी पड़ी है, रात के 2 बजे से डेड बॉडी पड़ी है और यहीं पे इलाज चल रहा है।